प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, और मंगू भाई पटेल के बगल में कुर्सी लगी है आज मोहन यादव की, जो नव निर्वाचित सीएम है, और आज जो है वो शपथ लेने वाले हैं। इसी शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है, वो सीधी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आज से कह सकते हैं कि मामा के राज का, मामा के युग का मध्य प्रदेश में अंत होने वाला है और मोहन के युग की शुरुआत होने वाली है। ये सीधी लाइव तस्वीरें मोहन यादव के चेहरे पर एक अलग ही जोश, खुशी, उमंग, उत्साह आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और काउंट डाउन भी शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, और अब से कह सकते हैं कि कुछ मिनट बाद ही जो मोहन यादव हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और बात की जाए तो आज ही छत्तीसगढ़ में भी जो विष्णुदेव साय हैं वो भी शपथ लेंगे। लगभग 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रहेंगे, उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंच सज चुका है, सवर चुका है, तमाम दिग्गजों की इस मंच पर मौजूदगी है। और अब जो है राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल, उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है, और उसके बाद जो वहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, वही जो है जो मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित सीएम हैं मोहन यादव, उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। और ये शपथ ले रहे हैं, ये सीधी लाइव तस्वीर है। जी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जो वहां के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बगल में यहाँ पर आपको जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, और जो मध्य प्रदेश के जो अब सीएम हो चुके हैं मोहन यादव, वो जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और यहाँ पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे थे। फिलहाल वो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बात की जाए तो अब जो है जो 2 डिप्टी सीएम चुने गए हैं वहां पर राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, वो जो है अब यहां पर शपथ लेंगे। मोहन यादव शपथ ले चुके हैं, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बात की जाए तो मोहन राज की शपथ हो चुकी है और ये जगदीश देवड़ा शपथ ले रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
से बात की जाए तो 7 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं, शिवराज सरकार में जो है आबकारी मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल बीजेपी के मल्हारगढ़ से जो है मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से विधायक है जगदीश देवड़ा, जो अभी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, और अब जो है राजेंद्र शुक्ला जो फिलहाल रीवा से विधायक हैं वो जो है अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोहन यादव सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, जगदीश देवड़ा भी शपथ ले चुके हैं, उसके बाद अब इंतजार है तो वो राजेंद्र शुक्ला की है। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे अपने दर्शकों को, इस शपथ ग्रहण समारोह में लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, ये तस्वीरें। और शपथ लेने के बाद यहाँ पर जो है राज्यपाल मंगू भाई पटेल जो है सभी को यहाँ पर शपथ दिलवा रहे हैं, उसके बाद जैसे ही शपथ लेने के बाद सभी, चाहे वो मोहन यादव हो, जगदीश देवड़ा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात करते हुए उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। शिवराज सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं जगदीश देवड़ा, बात की जाए तो जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से फिलहाल जगदीश देवड़ा बीजेपी के विधायक है, दिग्गज नेता माने जाते हैं, शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लगभग 1990 में पहली बार विधायक चुने गए जगदीश देवड़ा का ये सियासी करियर की बात की जाए तो, अब राजेंद्र शुक्ला ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ, सीधी तस्वीरें। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। की शपथ ले रहे थे रीवा से, 5वीं बार विधायक चुने गए हैं, बात की जाए तो कई बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उमा भारती की सरकार में जो है राजेंद्र शुक्ला मंत्री रह चुके हैं, चाहे बात की जाए तो वहां पर बाबूलाल गौर की जब सरकार थी उस समय भी मंत्री रह चुके हैं। रीवा के विंध्य क्षेत्र में कद्दावर नेता माने जाते हैं राजेंद्र शुक्ला, और यहां पर राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और यहां पर राजेंद्र शुक्ला अपने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।